वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज देखते हैं, देखो बहुत ही इजी ट्रिक, बहुत सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे ना, जो हम मैप से याद करते हैं, मैप से भी देख सकते हैं इसको। लेकिन ये बहुत, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये ट्रिक यूज करें और बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छी चीजें सीखेंगे आप। चलिए देखते हैं। पहला है कि वो स्टेट जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स जिसके पास विधान परिषद है। तो ध्यान रखो उसको कैसे याद करेंगे। आम का बीज यूपी में है, आम का जो बीज है वो कहाँ है, यूपी में है। तो आम से क्या हो गया, आम से, आम का जो अ है उससे क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अच्छा, और म से क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। म से क्या हो गया, महाराष्ट्र। और क से क्या हो गया, कर्नाटका। यूपी से तो यूपी है ही आपका, और बी से, ये जो बी है, बी फॉर बिहार, यूपी फॉर यूपी। और अब लास्ट में क्या है, जे है, ये देखो जे है, तो जे से क्या हो गया आपका, जे एंड के। तो कितने स्टेट टोटल है जो अपने इंडिया में जिनके पास विधान परिषद है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो 6 स्टेट है। आम का बीज यूपी में है, तो आ से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। म से क्या हो गया, महाराष्ट्र। क से मिस कहा है, तो कर्नाटका। बी से बिहार। जे है तो जे एंड के हो गया, यूपी फॉर यूपी। तो ये यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी काउंसिल, जिसको बोलते हैं हिंदी में विधान परिषद। अच्छा देखो दूसरा देखते हैं ट्रिक, कि बांग्लादेश टचिंग बाउंड्री, जो बांग्लादेश को अपने इंडिया के स्टेट जो टच कर रहे हैं वो कौन कौन से, उसको कैसे याद करेंगे। देखो बंगाल और असम के मेघों ने क्या किया, त्रिपुरा में रंग पी, है ना। बंगाल और असम के मेघ जो थे वो क्या किए, त्रिपुरा में रंग पी लिए भाई, ठीक है। तो बंगाल से वेस्ट बंगाल हो गया आपका। अच्छा ये भी याद रखो कि कितने स्टेट टच करते हैं आपके बांग्लादेश को, तो वेस्ट बंगाल, आसाम से सिंपल आसाम, मेघों से आपका मेघालय हो गया, ठीक है। पता है ना मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है अपने इंडिया में, क्या वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है ना, त्रिपुरा से त्रिपुरा। अच्छा और म हो गया, रंग का म जो, इससे क्या हो गया, मिजोरम। तो क्या क्या हो गया, 5 स्टेट जो पश्चिम बंगाल को टच, सॉरी बांग्लादेश को टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंग पी। तो यही ट्रिक है इसका, बांग्लादेश को टच करने वाले स्टेट जो इंडिया के हैं, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंग पी। देखो बहुत ईजी है। अच्छा देखो अब पाक को जो टच करते हैं इंडिया के स्टेट, उसको बहुत ही सब लोग मैक्सिमम जानते ही होंगे, पंगू राज। क्या है, पंगू राज। तो पी फॉर पंजाब, है ना, जी यू फॉर गुजरात, और आर आर ए फॉर राजस्थान, और जे फॉर जे एन के। तो 4 स्टेट है जो किसको टच करते हैं आपको, पाक को। तो कितने स्टेट, चार, 4 स्टेट जो पाक को टच करते हैं, है ना। और कितने स्टेट जो बांग्लादेश को टच करते हैं, 5 जो बांग्लादेश को टच करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली वाले कितने स्टेट है, 6। तो जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी एलजी, एल सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो चाइना को किस तरह से याद करेंगे, चाइना को जो टच करने वाले हैं, इसमें कितने स्टेट है, इसमें भी 5 है, बांग्लादेश को भी 5 टच करते हैं, और किसको, पाक को 4 टच करते हैं, जो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जे के। देखो चाइना को तो इसको कैसे रखेंगे, देखो याद करने की ट्रिक है बस, ठीक है। हिमांशी आ जाऊं, मतलब किसी से पूछ रहे हो आप कि हिमांशी आ जाऊं, तो हिमांशी है, तो हिमांशी का ही जो है, एच आई है, उससे क्या हो गया, हिमाचल। और सी जो है इससे हो गया सिक्किम, और आ है इससे हो गया अरुणाचल, और जे से, जे है जो इससे हो गया क्या आपका, जे एम के, और यू से क्या हो गया, उत्तराखंड। तो कितने स्टेट है जो चाइना को टच करते हैं, 5, कौन कौन से, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, जे एम के, यू के। अच्छा देखो भूटान को जो टच करने वाले हैं, आशिक आप भी हैं, मतलब कोई बोल रहा है आपसे क्या, आशिक आप भी हैं, ठीक है, आशिक। तो अ से क्या हो गया, असम। सी से फिर क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है, और आ से फिर क्या हो गया, अरुणाचल। और एक चीज बताया है, प, तो प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तो आशिक आप भी हैं, भूटान को टच करने वाले हैं, ठीक है, असम, सिक्किम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। आगे है म्यांमार, तो म्यांमार को टच करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के, तो मामी वर्मा आना, क्या बोल रहे हो, अपने मामी को बोल रहे हो कि मामी वर्मा आना, म्यांमार, मामी वर्मा आना, ठीक है। देखो आपके
ब्रेन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा अगर क्वेश्चन अगर आएगा आपके पेपर में, तो ये सब चीजें जो मैं ट्रिक बताया हूँ ना बिल्कुल मजाक मजाक में, ये सब चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और याद आ जाएगी चीजें। तो मामी का एम फॉर मणिपुर, और फिर से एक मी है ना, तो मी है तो उसका मिजोरम, एक म से क्या हो गया मणिपुर, एक मी से मिजोरम, और अ फॉर अरुणाचल, और न फॉर नागालैंड। तो चार स्टेट हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पांच स्टेट बांग्लादेश, चार स्टेट आपका पाकिस्तान, और देखो पांच स्टेट कितना, पांच स्टेट जो है और चार ही स्टेट जो है वो किसके टच करने वाले हैं, भूटान को, है ना। फिर से पांच स्टेट किसको टच करते हैं, चाइना को, और म्यांमार को फिर से कितना टच करते हैं, तो चार म्यांमार को, म्यांमार ऐसे देख लो एक बार। तो अभी ये भी पूछ सकता है कि पाक को कितने स्टेट टच करते हैं, चार, तो बांग्लादेश को पांच, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं इंडिया में, छह स्टेट, है ना, भूटान को टच करने वाले चार, चाइना को टच करने वाले पांच, म्यांमार को चार। तो देखो चार कितने टच करते हैं, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान, पांच बांग्लादेश और चाइना, तो ध्यान रखो। और एक चीज और कि अपने देश का सबसे बड़ा जो फ्रंट है जो किसी देश को टच करता है, तो वो क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। तो देखो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, आप लोग कमेंट करके बताइए, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।